भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस दी, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हहु किए मन मी। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ सुजन जनि जान ही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारुगत देखिए पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू, भय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे उ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशी। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु
सुत कीनी भी बाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमी रबिनी सिनासा भंजे उराम आपु भव चाकू भव भय भंजन नाम प्रतापू दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निसिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीनी रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सब को नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरिद विराजे राम भालु कपि कट कुबटोरा से तुहे तुश्रम की नन थोरा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही राम सकुल रन रावन सहित निज पुर पगुधारा राजा राम अवध रज धानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ब्रह्म राम ते रामचरित सत कोटि महा लिय महेश जिय जानी। श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों
तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान, त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नारद जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू नाम जपत प्रभु की न प्रसाद भगत शिरोमणि हे प्रहलाद ध्रुव सकलानि जपेउ हरि नाम पायउ अचल अनुपम धाम सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अब तू अजा मिलु गजु गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुन गाई नाम राम को कल पतर कल कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी चहुं जुगती निकाल तिहुं लोका भय नाम जपि जीव बिसोका वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहू ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला राम नाम कलि अभि मत दाता हित पर लोक लोक पितु माता नहीं कलि कर्म ना भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल ने मिकल कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु राम नाम नर के सरी
कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दलि सुरसा भाय कुभाय अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस दस हूँ सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा करौ नाइ रघुनाथ ही माता सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिसि देखि दया निधि पोसो लोक कहूँ वेद मुसाहिब विनय सुनत पहचानत प्रीति कनी गरीब ग्राम नर नाग पंडित मूड मलिन हो जागर सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला इस अंश भव परम कृपाला सुनि सनमान ही सब ही सुबानी भनिति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान सिरो मनि कोसल जाऊ रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं, उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। रखी है ही राम कृपाल उपल की जल जान जी सचिव सुमति कपिभा
दास। अति बड़ी मोर घिठाई पूरी सुनी अघ नरक उनाक सको अपने सो सुधी राम की नहीं सपने। सुनी अवलोक सुचित चक चाही भगति मोरी मति पावी सराही। राम जानी जन जी की रहती न प्रभु चित चूक की करत सुरती सयवार यही अघ बधी उव्याध जीवी बाली कंठ सोई की कुचाली। सोई कर तूती विभीषण केरी सपने हुसून राम ही अहेरी। सभा रघुवीर बखाने प्रभु तरु तर कपिडार पर ज्ञान।
श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। जम गण मोह मसी जग जमू
संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है।
और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असौर आनी, सुनिय कथा सागर रति मानी। सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी। तुन
मुनि सबही बिनवउ कर जोरी करत कथा जही लागन खोरी सादर सिवही नाई अब माथा बरनऊ बिसद राम गुन गाथा संबत सो रहते थे कति बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित पकासा जही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहां चलियावही असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करही रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचही सुजाना करही राम कल कीर्ति गाना जही सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। परस मजन रूपाना हरि पाप कह वेद पुराना नदी पुनीत मित मही माति कही न सकई सारदा विमल राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदितति पावनी चारि खानि जग जीव पारा अवधत जे तनु नहीं
सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि पर मंगल खानी विमल कथा कर की न अरम्भा रामचरितमानस हि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा मन करि विषय अनल बन जरई होइ सुखी जो एहि सर परई रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कुलि कलुषन सावन रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमउ सिवासन भाखा ताते राम चरित मानस बर धरेउ नाम ही अहेरि हर शिहर कहउ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहउ प्रसंग सब सुमिरी उमा पृष के प्रसाद सुमति यहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी मति भूमि फल हृदय गाधु वेद पुराण उद्धि धन साधु बरसहि राम सुजस बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलवानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सो जल सुकृत साली हित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा मही गत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले उस
सुहावन भरे उसुमानस सुथल थिराना सुखद सीत रुचि चारु चिराना सुखी सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि विचारी ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काक भुशुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण अबाधा बरनब सोई बरबारी अगाधा राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीचि बिलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई जुगति मंजु मनी सीप सुहाई छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेब कवित गुण जाती मीन मनोहर ते बहु भांति अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नव रस जप तप
जोग बिरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना संत सभा चहु दिसी अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई भगति निरूपन विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बाहु बरन बिहंगा पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार चरित संभारे ते इह ताल चतुर रखवारे सदा सुनहिं सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी अति खल जे विषयी बग कागा ते सर निकट न जाही अभागा संबुक भेक सिवार समाना इहां न विषय कथा रसनाना तेही कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे आवत एही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई ना जाई कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बदन बाघ हरि ब्याला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला बन बहु विषम मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की। कहते हैं जिनके पास श्रद्धा का पात्र नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक
तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेद मत और लोक मत इसके दो किनारे हैं। अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी काही बुझावा। सकल विघ्न व्यापही नहीं देही, राम सुकृपा बिलोकही जेही। जन करई महाघोर त्रयताप नजरई, ते नर यह सर तजही न काऊ, जिन्हके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अस मानस मानस चख चाही, भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल फूला। नदी पुनीत सुमानस जाए।
मिली सुखी रति सरजु सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिले महानद सोन सुहावन जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुदीरति विचारा त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिली सुर सरीही तुलत जन मन पावन करीही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन बागा विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर वारी विहंग श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं। समाज सो हसरी सोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबध राम बरबानी सानुज राम विवाह उछा
फूल काही ते सुकृति मन मुदित नहाही राम तिलक हित मंगल साजा परब जो अघ खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग कीरति सरित छहूरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी सुखद प्रभु जन्म उछाऊ बरन बराम विवाह समाजु सोमुद मंगल मय ऋतु राजु ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु कथा खर आतप पवनु बरखा भोर निसाचर रारी सुरकुल साली सुखद सोई सरद सुहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास अद्भुत सलील सुनत गुण का
सकल कलि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा विवेक विराग बढ़ावन सादर माजन पान किए ते मिट ही पाप परिताप हिए श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है? अनुहारी सुबारी गुन गन गनि मन अनहवाई सो मेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद कहूं जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिन्हहि राम पद अति अनुराग तापस सम दम दया निधान परमारथ पथ परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी
जही माधव पद जल जाता परसी अखय बटु हर शही गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि पर मन भावन तहां होई मुनि ऋषय समाजा जाही जे मज्जन तीरथ राजा मजही प्रात समेत पुछा कहीं परस पर हरि गुन गा ब्रह्मन रूपन धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग कहि भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग एहि प्रकार भरी माघ नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रति संबत अति होई अनंदा मकर मज्जी गव नहीं मुनि वृंदा एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुज सुबखानी बोले अति पुनीत मृदुवाणी नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत समोही लागत भय लाजा जौ न कहऊ बड़ होई अकाजा संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गा होइ न बिमल विवेक उर गुरसन किए दुरा अस बिचारी प्रगटऊ निज मोहू हरहु नाथ करी जन पर छोहू राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारि जीव जग अही काशी मरत परम पद लही सो पिराम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत करी दाया राम कवन प्रभु
सब पूछूं तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी। अपर को जाहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु बिबेकु विचार। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहु सो कथा नाथ विस्तारी जाग बलिक बोले मुसुकाई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहु सुने राम गुण गूढ़ा कीनिहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई कहूं राम के कथा सुहाई महामोहु महिषे सुबिसाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करही जेहि पाना ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। कहूं सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संबाद भय उस समय जेहि हे तुझे ही सुनु मुनि मिटी विषाद। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बड़ बखानी सुनी महेश
परम सुकुमार। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे उ प्रभु, गए जान सब को। शंकर उर अति छोभ, सतीन जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लान छी। रावण मरण मनुज कर जाता, प्रभु विधि वचन की न चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बना। विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करी छल मूड़ हरि बेदे, प्रभु प्रभाव तस विधि तन ते ही। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिकल नर इवर घुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट बिरह दुख।